प्रदेश में कथित तौर पर हो रहे फर्जी एनकाउंटर के विरोध में बुधवार को प्रयागराज के वकीलों ने कैंडल मार्च निकाला। सिविल लाइंस में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास वकीलों ने योगी सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। पुष्पेंद्र यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए वकीलों ने चेतावनी दी, इस तरह लोगों की हत्याओं का सिलसिला बंद होना चाहिए वरना सड़क पर बड़ा आंदोलन होगा। इस दौरान पिंटू पटेल का कथित तौर पर एनकाउंटर और ब्रजलाल मौर्य को पीट कर मार दिए जाने की घटनाओं का भी जिक्र किया। इसके विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट के वकील इंद्र मौर्य ने आरोप लगाया, यूपी की योगी सरकार युवाओं का फर्जी एनकाउंटर करा रही है। पूरे प्रदेश में लोग डरे हुए हैं। आज अगर कोई युवा घर से निकलता है, माँ बाप को डर रहता है कि उसका बच्चा घर लौटेगा भी कि नहीं। आज अगर कोई युवा अपने घर से निकलता है तो उसके माँ बाप को ये नहीं पता है कि उनका बच्चा लौटेगा कि नहीं लौटेगा। आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आज नए लड़कों का एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर करा दे रहे हैं, उस तरीके से पूरे प्रदेश में डर का माहौल व्याप्त है। तो आज जिस तरीके से पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो गई, ब्रजपाल मौर्य को पीट पीट करके मार दिया गया और पिंटू पटेल को प्रयागराज में मार दिया गया, तो इस डर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने आज ये प्रोटेस्ट प्लान किया था और कैंडल मार्च के माध्यम से हम लोग प्रदेश सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हत्याएं बंद की जाए। जैसे कि जाति आदि लोग एक जात विशेष को इतना प्रभावित करते हैं।